हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ग्रैब करने का मौका मिल रहा है। आई ओके उस शेयर पे आप नज़रें बना कर रखिए और जितना गिरे ना उतना उठाइएगा, आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। और उसके पीछे रीज़न क्या है, उस शेयर के पीछे गिरने का रीज़न क्या है, दोनों चीज़ के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके प्रॉफिट का रेशो। तो देखिए, एक दिन में 10% ये शेयर गिरा है। आज के दिन में 10% क्यों गिरा है, उसके पीछे रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो बीच में मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, वो बीच में से आपसे स्किप हो जाएगी। तो स्किप हो जाएगी तो उस फिर वो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। आप आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो देखिए, ओके, और शेयर भी करिए ताकि लोगों को ही पता चले। तो देखिए, 10% गिरा है, इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, वन मंथ भी देख लीजिए, ओके, पॉजिटिव ही चार्ट पैटर्न है। ओके, आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखा रहा है, बट ओवरऑल दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर को अच्छे रिटर्न मिले। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना कि 9 से 10 महीने के अंदर अंदर इसने आपके 100% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, ओके, वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। बट मार्केट गिरी थी तो नीचे आ गया था, ओके, बट फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो 50% के रिटर्न उन लोगों को जो पेंडेमिक से पहले खरीदे हुए थे, और उन लोगों को जो पेंडेमिक के बाद खरीदे हैं वो एक मतलब 100% के रिटर्न। और सबसे मेन बात ये है, देखिए, 10 साल में लगभग 2500-2600% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं, ओके, और ऐसी ही कंपनी हमें खरीदनी चाहिए, ओके। और ये जो कंपनी है ना, ये अपने सेक्टर में सबसे उम्दा कंपनी है, अपने पूरे फील्ड में मतलब, और विदेशों तक इसके इसका व्यापार है, ओके, विदेशों तक इसकी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 30% की डिलीवरीज आज भी उठा के गई है, ओके, 52 वीक लो देखिए 679 का था, ओके, 52 वीक हाई 1875 रुपीज़ का था, ओके, आज 10% की गिरावट है, इसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स के पास लगभग 58.3% की हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास है। और इन डिविडेंड के मामले में तो कंपनी देखिए 2020 में जहाँ पर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही थी, ये कंपनी आते देखो डिविडेंड मार लगभग पूरे 3 बार डिविडेंड दिया है 23 रुपये का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत अच्छी कंपनी है और कोई भी शेयर इसका गिर भी नहीं है। अगर हम बात करें ना बोनस स्प्लिट की, तो देखिए कंपनी कम से कम तो यहाँ पर 5 दिखा रहा है, बट सी मोर करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में 1:1 का बोनस, 1:2 का बोनस 2005 में, 1:1 का बोनस 2003 में, ओके, 1994 में 1:1 का, फिर 1991 में देखिए 1:1। तो मतलब समझ सकते हैं कि इतनी बार बोनस दे रही है कंपनी, तो कुछ ना कुछ तो इस कंपनी में बात होगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इस कंपनी को रख लेते ना, सेक्टर का मतलब दमदार शेयर है, जैसे कहते हैं ना पहलवान शेयर, तो वो पहलवान शेयर है, ओके। एज वेल एज अगर हम बात करें कि किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर देख लीजिए 10% की गिरावट, सीधे गिर गया है, ओके, गिर क्यों गया है, इसके पीछे रीज़न है, ओके, ये नहीं कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी इस वजह से गिरा है, नहीं, ये देखिए ऊपर ओपन हुआ था ऊपर ही, बट कल एक न्यूज़ आई थी उसकी वजह से ये शेयर देखिए गिरता हुआ नज़र आया, और शायद और गिर सकता है, और बट गिरे तो इसका फ़ायदा उठाना, बाय ऑन डिप्स पर करना, क्योंकि ये सेक्टर अब चल रहा है काफ़ी। तो देखिए 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छा खासा 1 मंथ का चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए शेयर यहाँ तक आया था, ओके, फिर इसके बाद इसने यहाँ पर जंप मारी, ओके, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए पॉजिटिव, 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिए ये पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर कह रहा था ना लगभग आपके पैसों के डबल, 700 रुपये का शेयर था 23 मार्च को, और अब 1700 रुपये 1800 तक ये गया है। एज वेल यहाँ पर देखिए 1200 था उससे पहले, तो 50% के रिटर्न्स तो उन्हें भी है जो कि क्या कहते हैं इससे पहले पेंडेमिक से पहले भी खरीदे हुए हैं। और बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बड़ा बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, 20-22 रुपये का शेयर आज आपको कितने रुपये पे मिल रहा है, 10 रुपये का शेयर, 13 रुपये का शेयर आपको, 1600 रुपये का शेयर मिल रहा है, तो आप 1600 में कन्वर्ट हो गया, तो आप समझिए कि ये शेयर कितना बेहतरीन होगा। तो जिसकी बात कर रहा हूँ ये है बालकृष्ण इंडस्ट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री जो ये शेयर है ना काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और अपने पूरे सेक्टर में
पूरे सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन है और शेयर के पीछे गिरने का रीज़न है, तो उसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब शेयर करिए, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। ओके, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक तो डीमेट अकाउंट का है जो कि आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। दूसरा है जो आपका श्री अयोध्या में हमारा राम श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए चैरिटी का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप फ्री आपको इनकी ही साइट पर ले जाएगा और साइट पर ले जाके आपको कर देगा, ऐसे आप डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी तो देखिए यहाँ पर ये 6 स्टॉक्स के बारे में बताया था, अगर आप आज भी खरीदते ना उन स्टॉक्स को, बट आप प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो बाद में नीचे आ गया था, वरना 6 के 6 स्टॉक्स ने जंप लगाई थी। ओके, काफ़ी अच्छा 1-1% तक भागे थे, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, काफ़ी बेहतरीन तो पहली बात तो कंपनी है। ओके, हम मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाई चुका हूँ, तो ये गिरा क्यों था उसको देख लेते हैं। देखिए गिरा ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ थी कि लुकिंग एट द ओवरऑल इंक्रीज इन डिमांड द बोर्ड ऑफ इट्स मीटिंग इन हेल्ड ऑन ट्यूजडे, मतलब कल के दिन हुई थी, हैज़ अप्रूव्ड अ कैपेक्स, मतलब कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग लगभग वो 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए अच्छा होता है अगर किसी अच्छे काम में लगाया जाता है, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, कोई इंक्लूडिंग ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एक भुज टू इंक्रीज टायर कैपेसिटी, मतलब टायर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो किस चीज़ का वो है प्लांट, तो इंक्रीज कार्बन ब्लैक कैपेसिटी। ये कार्बन ब्लैक होता है ओके, जो टायर में यूज़ किया जाता है ओके, उसको बढ़ाने के लिए वो भुज में ओके एक प्लांट लगाने के लिए उन्होंने बोला है। इस वजह से जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, वो कह रहे हैं कि बाहर से भी आप खरीद सकते हैं, बेफालतू को एक्सपेंडिचर आप क्यों कर रहे हो। ओके, जो ये चीज़ है जो ये कार्बन ब्लैक है, आप बाहर से भी और दूसरे प्लेसेस से भी खरीद सकते हो। तो इसी वजह से ये बात मार्केट को पसंद नहीं आई और ये जो शेयर है, ये शेयर आज के दिन 10% गिरता हुआ आपको नज़र आया है। ये तो हो गई इसकी अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस ओके, थोड़ी बहुत कि किस इंडस्ट्री में काम करती है, तो अब बहुत अच्छी है यहाँ पर और भी बता देता हूँ। तो देखिए ये बालकृष्ण इंडस्ट्री इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ हाईवे टायर्स, मतलब ओके जो ऑफ टायर्स होते हैं ना उसमें की ये कंपनी काम करती है, और टायर्स को ऐसे वैसे टायर्स नहीं, बड़े बड़े टायर्स होते हैं ना जो बड़ी बड़ी मतलब ट्रॉलों में लगते हैं, वो उन स्पेशल काइंड ऑफ टायर्स उसके लिए बनाते हैं इन द स्पेशलिटी सेगमेंट सच एस एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूवर एंड पोर्ट, माइनिंग, फॉरेस्ट लॉन, मतलब जो हर जगह ना, और जितने भी व्हीकल्स होते हैं मोस्टली तो इसी के टायर यूज़ किए जाते हैं, विदेशों तक यही कंपनी के टायर यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 35,595 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, 34 के PE पे चल रही है। ओके, अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 1600 कुछ है, बुक वैल्यू आपको 281 है, और ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, बट अगर कहते हैं कि ROCE 30% हो तो ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ 10 लाख रुपए 30 साल के लिए रख लीजिए, 100 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होते हैं अगर 30% के हिसाब से बढ़ता है तो। ओके, अगर हम और भी बात करें तो देखिए इसके कॉम्पिटिटर तो काफ़ी सारे हैं, बट ये अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतरीन है, तो इस बात की याद रखिए जो इंडस्ट्री में बेहतरीन होता है ना लोग उसे ही पसंद करते हैं, पैसा बेशक से ज़्यादा हो। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेल्स 2018 में 1232 करोड़ रुपए की थी ओके, जो कि बीच में घटते हुए, क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ियाँ ही नहीं बिक्री तो फिर टायर्स का क्या काम, ओके कंपनी भी टायर्स क्यों खरीदेगी ज़्यादा। बट आजकल आपको इसी वजह से बताना चाहता हूँ इस कंपनी के ग्रोथ क्यों है, क्योंकि आगे पहली बात तो मेक इन इंडिया ओके, बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है इंडिया को ग्रो करने के लिए, और नई नई मशीनरी आएगी और नई नई व्हीकल्स आएंगे, तो जो व्हीकल्स आएंगे ओके तो उसमें यही कंपनी के टायर लगने वाले और किसी कंपनी के टायर नहीं लगने वाले ओके। और ये देखिए यहाँ पर जून में कम आया था, बट उसके बाद देखिए क्या जो इसका सेल्स का रेवेन्यू है देखिए क्या बढ़ता हुआ आपको नज़र आया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जहाँ पर 194 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था और नीचे नीचे धीरे धीरे डिक्रीज होता गया था, तो जो अभी लगभग 332 करोड़ रुपए का यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर में ओके, यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता हुआ जो आया नज़र आया, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है बट स्टिल अच्छा खासा है। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स देखिए
सेल्स भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आया 12 महीने में, लगभग 5369 रुपये का यहाँ पर करोड़ रुपये का यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखिए लगभग 12 महीने में 1040 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, जो 70 करोड़ रुपये का आज से 10 साल पहले हुआ करता था। अगर EPS की बात करें तो लगभग 53 रुपये का EPS है। EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर, आपको एक शेयर पर कितना पैसा मिल रहा है, तो उस तरीके से ये ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन और हेल्दी और हैंडसम रिजर्व्स है, जो कि 5390 करोड़ रुपीज़ के हैं। बोराइंग कंपनी के पास है बट घटते हुए मैनर में। देखिए कहाँ पर कंपनी के पास 2200-2300 करोड़ रुपए के बोराइंग थी, और अभी कितने 817 करोड़ रुपए की है, जो कि कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी के पास 1247 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी है। अदर एसेट की बात की जाए तो कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए 53 करोड़ रुपये का कैश इक्विवेलेंट है, और एसेट भी देखिए बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है यहाँ पर। और ऑपरेटिंग इनकम से जो इनका का कैश फ्लो है वो 1164 करोड़ रुपए का है, जो कि सब ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। ओके, एज वेल एज बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए लगभग 58.30 तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स देख सकते हैं, ये सब लोग प्रमोटर्स हैं। ओके, अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देखिए अभी के क्वार्टर में ही कितनी सितंबर से दिसंबर के बीच में लगभग 3% की 4% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाती हुई नज़र आई है, तो उन्हें भी पता है ये शेयर की कीमत एग्जैक्टली है क्या। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी देखेंगे तो देखिए बड़े बड़े HDFC, ओके, कोटेक, फ्रैंकलिन, कोटेक इमर्जिंग फंड्स, एक्सिस, तो इन सब ने बड़े बड़े फंड्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रखी है ऑलरेडी, थोड़ी सी कम करी है, जो कि फॉरेन इन्वेस्ट इन्होंने कम करी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उठा लिया। ओके, एंड पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक का 11% की, और उसमें भी बात की जाए तो 1.48% लगभग 10% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी इसके बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है या प्रमोटर्स के पास है सारी हिस्सेदारी। तो आपको पता है कि इतनी सारी की सारी हिस्सेदारी बड़े बड़े लोगों के पास ही है, छोटे जो मंझले लोग हैं ओके उनके पास केवल थोड़ी सी ही हिस्सेदारी है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो ये गिरावट होती है ना, गिरावट हमेशा खरीदने के लिए होती है, ये कल की हो सके तो ये शायद कल की डेट में भागता हुआ नजर आए। ओके, वरना अगर डिप में गिरता है तो आप इसकी तरफ नजरें बनाइएगा, जितना गिरे उतना खरीदिएगा। ओके, फ्यूचर के लिए रखिएगा, 10 साल रख लिया, 10 रुपये का शेयर कहाँ आज 1700 में मिल रहा है, तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो अगर और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर पूछिएगा। और अगर ये जो न्यूज़ है ना, ये शायद कंपनी इस चीज़ को देखते हुए पीछे बैक स्टेप भी ले ले, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ था। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है मेरे हिसाब से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारा इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, और इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।